श्री राम की भक्ति में मुझे अपनी असली शक्ति का ज्ञान हुआ है देवी सीता। उन्होंने मुझे लक्ष्य देकर एक नई पहचान, एक नया जीवन दिया है। अटूट साहस जिसे ना कोई तोड़ सके, ना झुका सके और ना हरा सके। तो तय रहा, जब तक श्री राम और तुम्हारी सेना लंका नहीं आ जाती, मैं यहाँ रहकर उनकी प्रतीक्षा करूंगी। हनुमान हमें यहाँ से सीधा लंका ले जाएगा, जहाँ सुबह की पहली अंगड़ाई लेते रावण को मार गिराएंगे। मुझे उसके जाने का उतना ही शोक है जितना तुम्हारा हमारे बीच में आने की खुशी। मैं बस चाहता हूँ कि वाली का महान बेटा आज ही नहीं, हमेशा के लिए मेरे साथ खड़ा रहे। मित्र वही जो साथ दे सके। मेरे पास अब इस महाबली हनुमान को देने के लिए है ही क्या। हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखो, ताकि सागर भी जान जाए कि ये राम जी का सेतु है। तूने तो माँ से वादा किया है ना कि लंका के बागों से उनके लिए आम लेकर आएगा, भूल गया क्या। उस गुजरे दौर में जब मेरे बड़े भाई जैसा न्यायी और महान राजा कोई ना था। तो बताओ, इस वर्ष कितने नए शास्त्र पढ़कर तुमने अपनी बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाया। क्या सेनापति ने वही नहीं किया जिसका आपने आदेश दिया था। एक राज्य हासिल करना था, जो कि उन्होंने किया। ये हथियार तुम्हें शोभा नहीं देते, इन्हें छोड़ दो और यहीं रहो मेरे पास। अभी सीरीज में सबसे पावरफुल किसी की आवाज है तो वो है रावण की। जी हाँ, ये पावरफुल आवाज और किसी की नहीं बल्कि वन एंड ओनली शरद केलकर जी की है, जिन्होंने पहले बाहुबली को भी अपनी आवाज दी थी और उन्होंने ही इस सीरीज में रावण को अपनी दमदार आवाज दी है और साथ में नरेशन भी किया है। देखिए, जग हरता रावण, सर्वशक्तिमान रावण, तिहुलोक विजेता रावण, इन नामों का क्या मोल जब वो राजकुमारी सीता के मुख से ना निकले। गरिमा और गौरव का प्रतीक रावण शक्ति और सत्ता का ऐसा लोभी बना कि उसने अपने भाई तक को भी नहीं छोड़ा।